लगता है। कल रात को 2 बजे यहाँ पे बाघ था। था तो महात्मा गांधी का बर्थडे, कुछ बोलना चाहोगे आप? भाई का बर्थडे था आज, एक लड्डू खा के आ गए हम स्कूल से। अच्छा माँ बेटी का प्यार देखो तुम, असली प्यार तो यहाँ झलक रहा है। अब ये पेंटिंग देखो, ये बहुत एक्सपीरियंस, मतलब कुछ अलग है, कुछ अलग है भाई ये देखो। क्या हुआ इसके साथ, कुछ हादसा हुआ था? हेलो एवरीवन, प्रणाम पहला नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और प्यारे से ब्लॉग में, उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है ना, तो अपने गांव के नीचे वाले सड़क से हो रही है, जो कि अपनी कच्ची सड़क है अभी, तो कुछ इस प्रकार दिखती है। तो भाई दोस्तों, मौसम की बात करें ना, तो आजकल मौसम सुबह सुबह का कुछ ऐसा हो रहा है कि देखने लायक व्यू बिल्कुल नहीं रह रहा, क्योंकि देखो कितनी ज़्यादा धुंध हो रखी है कोहरे की। और ये कोहरा ना शाम के टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और सुबह के टाइम अभी ये 10-11 बजे से पहले हटने वाला नहीं है। आज भाई दोस्तों, बिना नाश्ता किए हुए ना सुबह सुबह मेरी दौड़ा दाड़ी हो रही है, भागम भाग हो रहा है मेरे साथ। तो वो किस लिए हो रहा है, तो जब मैंने पहले ना एक दिन दराती दी थी ना आफर में लगाने के लिए, उन पे धार लगाने के लिए, तो उनको लाने के लिए जा रहा हूँ अभी। चिटकू हेलो कर दो। हेलो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, हाय कर दो, हाय। तो यहाँ से ले जाने हैं भाई दोस्तों हमको अपने जो भी दराती थे ना, तो वो दराती ले जाने हैं यहाँ से। और यहाँ देखो कुछ ऐसा सिस्टम रहता है चरखी वाला। तो भाई दोस्तों, ये हो गए हैं धार लग के बिल्कुल तैयार, घास काटने के लिए बिल्कुल रेडी। तो इनसे ना हाथ भी कटते हैं बहुत जल्दी, जो नहीं रहते ना दराती। और चाचा जी, और सुनाओ, गुड मॉर्निंग सबसे पहले। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मिर्ची का सीन सान ठीक है? मिर्ची का सीन कम ही बता, कम है इस साल, मतलब थोड़ा कम हुए हैं, पर कम हुए पर सही हुए हैं, खराब नहीं हुए। खराब भी हो गए। खराब भी हो गए? ओहो, तो इससे तिपत्या क्यों नहीं चूंडा तब? ये तिपत्या रह गया ना, हमें टाइम ही नहीं मिला बेटा। आहा, हम बकरी वाला भी हैं, प्लस क्या क्या काम करना है। ओहो, मतलब सारे काम है। और भाई दोस्तों, कोई कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि तुम इतने मिर्ची का क्या करते हो, हमारे तो साल भर में खाली 1.5 किलो मिर्ची लगते हैं। तो ये मिर्चियाँ ना सारे बिकाने के लिए होती है, और उसमें से कुछ मिर्चियाँ हम निकाल देते हैं जो कि अगले साल बीज के लिए होती हैं। कोई लोग ना ऐसे, जैसे हम टीपते हैं ना मिर्ची, तो हम ऐसे करके टीपते हैं, ऐसे करके, ये देखो ऐसे तोड़ते हैं मिर्चियाँ, तो ऐसे में ना बहुत जल्दी टूटते हैं। बट चाचा क्या कर रहे हैं, चाचा कैंची से काट रहे हैं, तो कैंची में ना थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती है। ये देखो अब दूसरे पेड़ उस पर फंस जा रहे हैं, और हम ऐसे हाथ से ना, हाथ से ही टीपते हैं ऐसे ऐसे करके ना, और खट से ऐसे करके। पर ऐसे में क्या होता है ना, जो ये वाला हिस्सा रहता है ना नाखून का, ये वाला पूरा उखड़ जाता है, फिर तब तक मिर्ची लगती है इन पे। तो चाचा उसको बचाने के लिए ना कैंची से काट रहे हैं। और यहाँ देखो भाई, फिलहाल ना दादी के गाय बांधने का समय हो चुका है, तो धूप इतनी तेज कि भाई सबके मुंह टमटमा दे रही है। और मुक्की भाई भी उठ चुके हैं, तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ठीक ठाक, नींद ठीक पड़ो मई? हाँ पड़ रही है, चपकता है। हाँ, तो थोड़ा सा ना सुबह शाम का मौसम आजकल थोड़ा सा ठंडा रह रहा है गांव में, ओस कोहरा और सारी चीज़ों को लेके। नमस्कार। तो तुम दोस्तों, तो तुम सुबह सुबह ये पकौड़ी कहाँ से खा रहे हो तुम? पकौड़ी मिली जनता भी खा रहे हैं। अच्छा, ये खांड वाली है। अच्छा, ये खांड वाली है, पितृ पूजा वाली। ओहो, और दाजी दाजी राम राम, राम राम, जय भो, अब जय भी बोल दे रहा। और बाकी दोस्तों मिलिए, हमारे दादा उल्टा काम नहीं चल रही, तो ना का पेटा उल्टा हो तो बीड़ी मारो तो यार। अब दोस्तों ये है कि मुंह पे छाले पड़े हुए और सुपारी खाए जा रहे हैं। और दाजी दाजी ना भाई, अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला टूर बनाते ना, तो मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। दाजी ने दिलवा खाए, दादी कदा दिलवा खाने, सच बताए एक दिन कदा खाने सोला। दादा भाई इतने दिलवा खाते हैं पान पराग।
मतलब 16 दिलवाग दिन का, एक दिन का 16 दिलवाग तो लगा सकते हो, साल भर का एक लैम्बोर्गिनी आ जाती इतने में। अन्ना दाजी अगर तुम ढेर बकरा धर रहे तो तुम पास बिजनेस रही नहीं बत जनका तुम दिलवाग में कर चली। और एक ये हमारे शबनम के आशिक, तो ये हमारे शबनम के आशिक है, ये ज्यादातर घर पे ही मिलते हैं। ये देखो भाई पारू का पैर ना अभी थोड़ा सा बेटर हो गया है, बस इसके ऊपर से ना जो लेयर जमती है ना खून की, तो ये उसको बार बार निकाल दे रहा है, तब जाके ठीक नहीं हो रहा है जल्दी। चलो अभी चलते हैं अपनी चंपावती की तरफ, क्योंकि आजकल काम का टाइम है ना, तो घर में भाई बिल्कुल भी नहीं रहना, जो भी काम रहते हैं ना वो निपटाने हैं। जैसे लोग भी लगे हैं, कोई भी आपको घर पे नहीं दिखेगा इस टाइम पे तो और भी ज़्यादा, क्योंकि ये असूज और भादो का महीना जो रहता है ना, ये बड़ा खतरनाक महीना रहता है। टाटा कर दो, टाटा करो, शाम को मिलते हैं, ओके बाय बाय। चलो भाई दोस्तों चंपावती में पहुंच चुके हैं और अब नाश्ता भी कर ही लेते हैं, 10 बजे का समय हो चुका है। हाँ सारे घास लेके और मिर्ची टीप के सारे आ गए होंगे ना, हमारा नाश्ता करके और अब हम खेत में जाएंगे। तो अम्मा लगाएगी आज, क्या लगाओगे तुम? तो यहाँ पे बना रहे हैं भाई दोस्तों, इस साल पहले साल हमारे ऊपर वाले में था और अब इस अब के साल ना यहाँ पे करेंगे। तो बीज तो अम्मा ने बो दिया है, तो देखते हैं कब तक होते हैं इसके भी, फिर इनको ना दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे कद्दू लगे हुए हैं, छोटे छोटे हरे हरे लगे हैं ना, मस्त लग रहे हैं। तो मेरे को भी भाई दोस्तों ना यहाँ पे थोड़ा सा खोदना है, ऊपर की साइड तो ये थोड़ा थोड़ा मिर्ची है ना, तो नीचे की साइड पूरा खाली है, तो यहाँ पे ना राई वाई बो देंगे तो बाद के लिए ना सब्जी हो जाती है। ज़रा मैं भी खोदता हूँ यहाँ पे साथ साथ में, फिर ज़्यादा धूप हो जाती है। तो अभी भाई दोस्तों यहाँ से और वहाँ तक तो मैंने कुदाल से खोद दिया है, तो इसमें राई और मूली बोएंगे और उसके बाद ना जब मिर्ची हटा देंगे इससे, मिर्ची और यहाँ हल्दी है ना जो, जब इसको हटा देंगे ना तो इसके बाद इसमें ना पूरे में आलू लगाएंगे। तो मैंने ये सोचा है क्योंकि आलू की ना 3 महीने की खेती होती है खाली, और उसके बाद अगली खेती के लिए खेत खाली हो जाता है, तो मैंने सोचा है इसमें पूरा ना आलू लगाएंगे और ऊपर वाले में भी जितना हो सके ना इस साल इतना आलू और प्याज और लहसुन लगाएंगे, तो ऐसे कुछ सोचा है। सूर्यदेव को मैं यहाँ से दह लगा रहा हूँ पर वो सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि इन पर आज ना ग्रहण लगा हुआ है, तो आज सूर्य ग्रहण भी है और इन पे तो पता नहीं कौन सा ग्रहण लगेगा, बट हमारे सर पे ग्रहण लग रहा है बहुत ज़्यादा, इतना तेज़ धूप लग रहा है ना आज, इतना तेज़ कि मतलब सिर चकरा जा रहा है भाई, एक ही बारी में सिर चकरा जा रहा है। और लो अम्मा ने भी कर दिया अपना पूरा काम ख़त्म, और अब अम्मा ना साइड साइड ना ये देखो साइड साइड मूले की बीज डाल रही है, ताकि ना बाद में मूले हो जाएंगे। अभी भाई दोस्तों दिन के टाइम में मौसम को देखते हुए ना मस्त से चाय पी रहे हैं, क्योंकि आहा मौसम क्या हो रखा है, और आज तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और आजकल तो भाई दोस्तों टाइम का पता ही नहीं लग रहा है, काम करते करते इतना टाइम हो जा रहा है ना कि अभी 1 बज गए हैं और बकरी ले जाने का समय भी हो गया है, तो जल्दी से नहाना धोना करते हैं। और आज मेरे को ना इन भीमल के छिलकों से ना अपना सर धोना है, क्योंकि इससे ना बाल बहुत सिल्की सिल्की होते हैं। बाकी दोस्तों मिलिए हमारी अम्मा श्री से, तो अम्मा श्री बहुत खुश लग रही है आज दोस्तों, वो रात छुपाने का है, उठाने का नहीं है, उठाएंगे तो वो हंगामा चल जाएगा बहुत ज्यादा, मेरे इज्जत का फालूदा हो जाएगा दगड़ियों, तब जाके अम्मा बता नहीं रही है, यूट्यूब वाले का नहीं तो हो जाएगा बेड़ा पार। हेलो बेड़ा पार, इसीलिए
राज को छुपाए छुपाए रहने को उठाओ नहीं। यार यार। चलो भाई दोस्तों अभी नहा धो के और टाइम हो चुका है भाई 1:30 बज चुके हैं तो अब जाके हमारा खाना हो रहा है। अम्मा को मैंने बोल दिया था कि पहले ही खाना ठंडा करके रखो फिर नहीं तो 2:30 बज जाते हैं खाने में। तो खाने में आज है भाई दोस्तों दाल और चावल और साथ में चटनी और चटनी नहीं अचार और साथ में लौकी की सब्जी। तो जल्दी से खाते हैं और निकलते हैं फिर फटाफट से भाग भाग के बकरियों को लेके सीधे ऊपर ऊपर हमारा दगड़िया इंतजार कर रहा है। बसंती बसंती भी आएगी कुछ दिनों में बस आने वाली है ना। गांव में भाई दगड़े जब कोई बंदा दूर रहता है ना मतलब काफ़ी दूर रहता है ऐसा कोहरा कोहरा लगा है पूरा कुछ नहीं दिख रहा तो सबसे बढ़िया ना आवाज़ लगाने का वो देखो वहाँ से आवाज़ आई तो ऐसे में पता चल जाता है कि अगला बंदा कितनी दूरी पे है कहाँ है और ऐसे ना चिल्लाने में मज़ा भी आता है। और आज भाई दोस्तों ना मैं उसी लोकेशन पे आ गया हूँ जहाँ मैंने उस दिन ना लकड़ियाँ फाड़ी थी तो आज यहीं से मेरे को ना ये वाले ले जाने हैं मतलब यहाँ पे 2 है तो एक हमारे दगड़िया के लिए हो जाएगा और एक मेरे लिए हो जाएगा तो ये दोनों ले जाने हैं मेरे को। और वो देखो भाई सामने जो वैसी आवाज़ आ रही है ना वो है बारहसिंगा जिसको नील गाय बोलते हैं वो देखो भाई जो बिबुल बज रहा है ना वो बारहसिंगा की आवाज़ है। तो आज भाई दोस्तों मैं ना कुल्हाड़ी नहीं लाया तो आज लकड़ी नहीं ले जाएंगे तो आज ले जाऊंगा मैं खाली इस पेड़ को। अरे भाई साहब कमर में एक तरफ को ना दर्द होने लग गया इतना भारी है ये देखो पूरा पेड़ है भाई यहाँ से लेके और पीछे तक देखो यहाँ तक हो घर तक भी पता नहीं कैसे ले जाऊंगा। अभी पहले एक बारी काम करके कंधा सही नहीं हुआ और दोबारा मैं ऐसे काम करने लग गया। चलो कोई नहीं ले जाते हैं जैसे भी होगा। और आज वही दोस्तों पहली बार ही ना खरगोश महाराज ऐसे बैठ रहा है तो इसकी शायद मेरे को लग रहा है तबीयत खराब तो नहीं होगी है खग्गू। ए खरगोशी तबीयत खराब तो नहीं है तेरी भाई आज पहली बार ये सीधे बकरी से आके और बैठ गया कहीं तबीयत खराब ना हो साले की। बड़ी मुश्किल से बचाया इसको ना निप्पल से दूध दे दे के खरगोशू इथी देखी जरा उन्नू उन्नू उचू कुचू पुटू पुटू खरगोशू। और यहाँ देखो भाई दोस्तों यहाँ कुछ खास होने जा रहा है और मेरे आते ही देखो इन्होंने ही कर दिया। ओ माय गॉड पढ़ने वाले बच्चे अबे चलो कैमरा बंद कर दे बहुत ही ज्यादा ड्रामा। मैं तो पेंटिंग देखना यार। अरे यार बिगड़ी यारो कोई बात नहीं बिगड़ दे साला मरियो। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी तो आज 2 अक्टूबर था तो महात्मा गांधी का बर्थडे कुछ बोलना चाहोगे आप? भाई का बर्थडे था आज एक लड्डू खा के आ गए हम स्कूल से। अच्छा अरे वाह बाकी इस तरफ भी देखो स्पाइडरमैन इसमें ज्यादा स्पाइडर में इसमें लव इज मूवी जब ये प्यार में थे तो मैं बोल मैं रोयाबल ये देखो जरा मैं रोयाबल है मैं नहीं था प्यार में यार तो किसके लिए बनाया ये इमोजी सा ना। अच्छा इमोजी से यूट्यूब में मिली है वो तब यार तो आगे बढ़ा इसको यार। तो भाई दोस्तों आज मैं मस्तू के पेंटिंग से ना रूबरू करवाता हूँ आपको जो कि भाई साहब इतना टैलेंटेड आपको लगता होगा कि ये कुछ पढ़ नहीं सकते ये कुछ कर नहीं सकते बट जिस चीज में मन लगता है ना कसम से वो चीज ना बड़ी खतरनाक होती है जैसे। तो सबसे पहले मिलवाते हैं हमारे मस्तू सिंह। हाय गाइस लाइक करना सब्सक्राइब करना और बढ़िया से बढ़िया व्यू देना। हाँ लाना ऐसे कुछ नहीं करना है जिस चीज पे मन लगता है ना उसी चीज को करो। जैसे मैंने जॉब छोड़ दी ठीक है ब्लॉगिंग पे आ गया तो वैसे ही मस्तू भाई अगर पढ़ाई छोड़ देगा पेंटिंग पे आ जाएगा तो बहुत कुछ है ना हर चीज में सब कुछ है। तो दिखाते हैं आगे आगे मस्तू कौन सी पेंटिंग बनाते हैं और मस्तू के लिए एक सेटअप रखेंगे जल्दी अगर मस्तू चाहेगा तो इसके लिए पेंटिंग वीडियो फिर पेंटिंग वीडियो आएगी मस्तू की और एडिट करने वाला रहेगा तुम्हारा सचिन भाई और सपोर्ट करने वाला रहेगा तुम्हारा पारू भाई और हमारे पेंटर रहेंगे महेश पेंटर।
जो कि एमपी के नाम से जाने जाएंगे। नाम क्या है तुम्हारा? तो ये सब तो दोस्तों ठीक है। देखो कितने सारे पेंटिंग है, बड़े खतरनाक खतरनाक से पेंटिंग मिलेंगे आपको, जो कि बिना एक्सपीरियंस वाले लौंडे ने बनाई है। अब ये पेंटिंग देखो, ये बहुत एक्सपीरियंस मतलब कुछ अलग है, कुछ अलग है भाई। ये देखो बड़ा खतरनाक सा पेंटिंग है, पारू ने खुद अपने आप को छापा हुआ है, चित्रण किया हुआ है आपने। देखो भाई हमारे मस्तु भाई की पेंटिंग भाई दोस्तों कुछ गजब की रहती है। देखो हल्क बनाया हुआ है और बड़ा खतरनाक सा पेंटिंग बनाया है। ये देखो एक पेंटिंग ये रही, उसके बाद और भी पेंटिंग दिखाते हैं। और पारू सिंह तुम क्या करना चाहते हो? वो तो पेंटिंग करेगा, तुम क्या करना चाहते हो? सपोर्ट करेंगे लौंडे को। अरे वाह, ये आज ये गजब भाई गजब। ये देखो पेंटिंग देखो एक बारी तुम भाई साहब। और ये देखो ये बनाया है पारू सिंह ने, ये पेंटिंग रही पारू सिंह की और सेम पेंटिंग रही ये मस्तु सिंह की। तो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई सबसे बेस्ट पेंटिंग किसकी है। देखो मस्तु का ये है और पारू का ये है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। एक के लिए लाल दिल और एक के लिए नीला दिल जरूर दबाए। क्यों जैन जय भारत जय उत्तराखंड। यहाँ देखो भाई दोस्तों हमारी दादी जी भी ना मस्त से खाना खा रहे। खाना खाया दिल चिया ना भाई, चिया बंडी पे यार रोड भी अभी बन में खुला तब खाया दिल रोटी। अरे दादी के दांत पे दर्द हो रखा है ना, तो तब जाके आज दादी थोड़ा उदास उदास लग रही है। कोई बात नहीं भाई, हो जान सब हो जान हो जान सब हो जान। मेडिकल हो वो उन्नी बन जान, वो भी बन जान, बन जालो भी बन जान। दादी को भी भाई चिंता हो रखी है, पारू की भी बोल भाई मेडिकल बनाना है बोल, क्योंकि स्कूल में पारू एक डेढ़ महीने से नहीं गया ना पैर की वजह से, तो तब जाके दादी भी चिंता कर रही है कि मेडिकल बनाना है। और भाई दोस्तों यहाँ पे ना ताई और दीदी के द्वारा ना रात को मिर्ची की छटाई हो रही है, क्योंकि खेतों से ना ये ऐसी रुंगड़ के ला रखे हैं। ये देखो इन पे ये डंडियाँ भी है, तो अब जाके यहाँ पे डंडियाँ काटी जा रही है और साथ में ये जो काले हैं ना जो खराब हो रखे हैं, तो इनको भी अलग किया जा रहा है, नहीं तो ये मिर्ची ना इन मिर्चियों को भी खराब कर देते हैं। और फिर जैसे ये 200 रुपए किलो जा रहे हैं ना, तो ये 500 रुपए किलो जाते हैं, तो फिर भाव घट जाता है। क्यों बड़े सही बोला मैंने? हाँ तुम बोल कब जान दी? अच्छा तो तभी ये रात को ये कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा सुबह अपनी गाड़ी से निकल जाएंगे। अरे तो ये देखो भाई जाते जाते ना बोल अम्मा का काम आधा करना है, ये माँ बेटी का प्यार देखो तुम, असली प्यार तो यहाँ झलक रहा है। और एक यहाँ भी है देखो, तभी तो बोलते हैं बेटा ना कहता है। ये देखो मस्त से मुक्की भाई ले रहा है ठंड के मजे, है चंडीगढ़ में नहीं मिलेगी फिर दोबारा। तो एक दो दिन थोड़ा सा सही हो रखा था माहौल, तो वो भी अब थोड़ा सा चुकापट हो जाएगा भाई कल से, क्योंकि मुखी भाई भी चले जाएगा, दीदी लोग भी आए थे वो भी चले जाएंगे। गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया। अच्छा और इसके लिए मैं तहे दिल से उन लोगों का आभारी हूँ। आभारी हूँ, बहुत बढ़िया। किने ककड़ी दी, किने गुजड़ी दी, जो जो मिला मतलब सब दिया। अच्छा सब दिया, गजब। और बाकी अपना अपने परिवार का तो है ही साथ। ठीक है, और फिर कल चले जाओगे फिर? कल अपनी तैयारी है। और फिर आओगे कब? उसके बारे में कोई पता नहीं, फिर कब आएंगे क्यों? अच्छा अच्छा, अब जब देखेंगे। अच्छा तुम नहीं टीप रहे हो मिर्ची? और कल उनको खेकरा लगता है। कल रात को 2 बजे यहाँ पे बाघ था। अच्छा बाघ आया था? और जब मैं बाहर आया था तो यहाँ पे घुरा रहा था। तुमने वीडियो नहीं बनाई? ये जरूर डालना। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और संभल के रहे गांव वाले,
देख के आए बाहर, क्योंकि कभी भी भाई बाघ ना, अब ये देखो यहाँ देखो कितनी झाड़ियाँ हैं, घर के बगल में ही झाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे ही घूर रहा था पहले दिन, घूर रहा था। कोई हादसा हो सकता है तो इसलिए देख के आए, देख के आए, सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सचिन जो हमारा बेटा है उसके उसका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, उन्होंने मेरे को ब्लॉग में लिया। चलो भाई दोस्तों, अभी गांव से भ्रमण भी हो गया है और अब चलो जरा खाना खाते हैं। तो यहाँ देखो, तुमको जरा भी शर्म नहीं आता कि तुम्हारा जवान लड़का यहाँ गांव में घूम रहा है? जवान लड़के को शर्म नहीं आता कि खाने का टाइम हो गया, मैं गांव में घूम रहा हूँ। आज बोलना आपने सही एकदम।